तो फ्रेंड्स, अब हम इस हीली के प्रेजेंटेशन को आज शुरू करते हैं। मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और मैं अक्टूबर 2020 से हीली को यूज़ कर रहा हूँ। अक्टूबर 2020 में जब हीली को मैंने लिया, उस दौरान करीब 2 से 3 महीने का इनका वेटिंग था। तो आप कह सकते हैं कि जनवरी तक तो प्रॉपर डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, बिकॉज़ जर्मनी में लॉकडाउन वगैरह और पूरे लॉजिस्टिक्स का इशू वर्ल्ड वाइड था। उस कारण से काफ़ी लेट डिलीवरी थी और काफ़ी यहाँ पे ऑफिस ऑपरेशन में भी प्रॉब्लम्स थी। तो जनवरी एंड से हीली प्रॉपरली स्मूथली मिलना शुरू हुआ और आज 2 से 3 दिनों में हीली सभी को मिल जाता है ऑर्डर के बाद। तो आप कह सकते हैं कि अक्टूबर से मैं इस पर पढ़ रहा था, समझ रहा था, रिसर्च कर रहा था, यूज़ कर रहा था अपनों पे, नियर डियर्स पे, फ्रेंड्स पे। और इतने समय में जो मेरी लिमिटेड नॉलेज में टेक्नोलॉजी को जो मैं समझ पाया, वो मैं आप लोगों को इस वेबिनार के माध्यम से हीली के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा जो ये वेबिनार है, ये ज़्यादातर हीली एज ए प्रोडक्ट पे ही फोकस्ड होगा। हीली कैसे काम करता है, हीली क्या है, हीली का एप्लीकेशंस कैसे हैं, 2 एप्लीकेशंस जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, तो ब्रॉडली हम अपने वेबिनार में इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो हीली को समझने के लिए, हीली के बारे में इन डेप्थ और जानने के लिए, हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। हीली के बैकग्राउंड को आपके सामने रखने के लिए मैं आपके सामने कुछ स्लाइड्स रखना चाहता हूँ। इन्हें हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, मिस्टर निकोला टेस्ला, एक जाने माने साइंटिस्ट। इन्होंने आज से करीब 100 साल पहले ये कहा था कि इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। मतलब अगर आप कभी भी यूनिवर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उसके सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं, तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस के बारे में सोचना होगा। और फ्रेंड्स, ऐसा एग्रेसिवली माना जाता है कि अगर मिस्टर टेस्ला को नहीं रोका गया होता उस समय, तो आज जो अल्टरनेटिंग करंट का ट्रांसमिशन जो तार के थ्रू, कंडक्टर के थ्रू होता है, वो वायरलेस ट्रांसमिशन तक भी हम आज पहुंच गए होते। बट ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें कि चाहे फार्मा कह लीजिए या ऐसी कोई भी लॉबी कह लीजिए, इस टाइप के जो काम है, इस तरीके की शोध आगे नहीं बढ़ पाती है। बिकॉज़ इन्होंने हेल्थ सेक्टर में भी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन पे काम करना काफ़ी हद तक शुरू कर दिया था। उसी समय के एक और जाने माने साइंटिस्ट मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्हें कौन नहीं जानता। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी करीब 100 साल पहले ये कह दिया था कि फ्यूचर मेडिसिन्स विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मीन्स पेट दर्द देगा, फ्रीक्वेंसीज लेंगे। सिर दर्द देगा, फ्रीक्वेंसीज लेंगे। इमोशनल मेंटल प्रॉब्लम होगी, फ्रीक्वेंसीज लेंगे। जैसे आज हमें हमारी कोई मेडिकल कंडीशन होती है, कुछ भी हमें तकलीफ़ होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाओं के सब्सक्रिप्शन देते हैं और हम उसके बाद उन दवाओं को यूज़ करते हैं। मगर ये भी हम जानते हैं कि चाहे हम कोई सी भी दवा लेते हैं, उसका छोटा या बड़ा किसी न किसी तरीके का साइड इफ़ेक्ट भी साथ में ज़रूर होता है। तो फ्रेंड्स, हम इस बात को आगे बढ़ाएं, उसके पहले आपको ज़रा ये समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी किन 11 सिस्टम से बनती है। हमारी बॉडी बनती है इन 11 सिस्टम से: सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, इम्यून सिस्टम, मस्क्यूलर सिस्टम, नर्वस, रीनल, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव एंड स्केलेटल। इन 11 सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। और ये जो 11 सिस्टम से, ये कैसे बनते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखिए। टिश्यूज एंड ऑर्गन से बनते हैं। टिश्यूज ऑर्गन किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। सेल्स के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, एटम्स। एटम्स कैसे बनते हैं, सब एटमिक पार्टिकल्स। सब एटमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी इसके अलावा भी कई होते हैं। तो ये जो सब एटमिक पार्टिकल्स हैं, ये कैसे बनते हैं, ये और कुछ नहीं दोस्तों, एनर्जी है। एनर्जी से बनते हैं, वेव से बनते हैं। और हमने अपनी छोटी क्लासेस में, अगर आपको साइंस याद हो, तो एक हिंसबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, जिसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला भी दिया गया है, जिससे कि ये साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन
एक पार्टिकल नहीं है बल्कि एक वेव है, एनर्जी है। तो फ्रेंड्स, अगर हम नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में भी बात करें तो अल्टीमेटली नॉन लिविंग चीज़ें भी कैसे बनती हैं? मॉलिक्यूल्स, एटम्स, सब एटमिक पार्टिकल्स और एनर्जी। कहीं ना कहीं हमने पिछले, मैं कह सकता हूँ, सैकड़ों या हज़ारों सालों में अपनी इन चीज़ों को कुछ हद तक खोया है। जैसे उदाहरण के लिए, शायद व्हाट्सएप में या बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स में आप लोगों ने एक विश्वकर्मा भगवान की एक मूर्ति देखी होगी, जिसमें कि उनके पास एक फॉग नुमा एक ऐसा गैजेट या डिवाइस भी था, जिसको कि हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि वाइब्रेशंस के को मेजर करने के हिसाब से यूज़ किया जा सकता होगा। मीन्स हज़ारों साल पहले भी आर्किटेक्चर में वाइब्रेशंस एनर्जी का रोल होता था, जिसको कि हम आज तक उस लेवल पे स्थापित नहीं कर पाए, क्योंकि हम ज़्यादातर जो अपनी पढ़ाई है उसको लिमिटेड रखे फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल चीज़ों पे, ना कि क्वांटम लेवल पे। क्वांटम लेवल का मतलब जब हम चीज़ों को पार्टिकल की बजाय वेव मानने लगते हैं। कई साल पहले दो बड़े फेमस साइंटिस्ट, रॉबर्ट ओ बेकर एंड जॉन नॉर्डेनस्ट्रॉम, इन लोगों ने प्रस्तुत किया सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज मॉडल। इस सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज मॉडल के हिसाब से हमारे बॉडी की जो सेल होती है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब -70 मिली वोल्ट होता है, जैसे कि सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का जो गोला है, जब सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, क्या मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, सेल के भीतरी और सेल के बाहरी पोटेंशियल का जो अंतर होता है उसको सेल पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। जब वो -70 मिली वोल्ट होता है तो सेल हमारी यंग होती है, और ऐसा पाया गया है कि जब एजिंग सिक सेल होती है या धीरे धीरे वो इन्फ्लेमेशन ट्यूमर सेल में कन्वर्ट होती है, तो सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी -70 मिली वोल्ट से ज़ीरो की तरफ जाता है, और 0 मिली वोल्ट पे सेल का डेथ हो जाता है। मतलब अगर हम किसी तरीके से ये आइडेंटिफाई कर लें कि हमारी सेल्स कहाँ की किस तरीके से इस तरीके से पोटेंशियल चेंज हो रहा है, और उनको हम सूटेबल माइक्रो करेंट्स को दे करके उनका खोया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस अगर वापस दिला पाएँ, तो इस तरीके से हम सेल के डिके को, सेल की डेथ को धीमा कर सकते हैं और नई सेल्स रिजनरेट भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, या कह सकते हैं बेसिक टेक्नोलॉजी है, जिसपे हीली आधारित है। सेल को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए आप ये देखिए, सेल के बाहरी और भीतरी पोटेंशियल का जो अंतर होता है उसी को सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोला जाता है, जिसकी पिछले डायग्राम में हम बात कर रहे थे। अब माइक्रो करंट्स की बात कहाँ से आ गई, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ माइक्रो करंट यहाँ लिखा है, माइक्रो करंट की बात कहाँ से आ गई। अगर आपको सेल का पोटेंशियल डिफरेंस वापस -70 -90 मिली वोल्ट पे ले जाना है, तो आपको उस सेल को करंट देना पड़ेगा, बहुत मामूली करंट देना पड़ेगा, जिसको कि माइक्रो करंट बोला जाता है। तो ऐसी साइंटिफिक स्टडीज़ भी की गई हैं जिसमें ये पाया गया है कि माइक्रो करंट्स के असर क्या होते हैं, वही आपको इस स्लाइड में मेरे दिख रहा है। ऐसा पाया गया कि जो ATP प्रोडक्शन है वो 500% बढ़ जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस 70% बढ़ जाता है, एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट 40% तक बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स यही वो चीज़ें हैं, यही वो पैरामीटर्स हैं जिनसे कि हमारी सेल की ग्रोथ इन्हांस होती है, सेल का रिजनरेशन होता है। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा डायग्राम आपको हीली के बारे में काफ़ी सारी बातों को समझा देगा। हीली दो तरीके से हमारे बॉडी पे काम करता है। पहला तरीका होता है हमारी BEF, जो ऊपर लिखा है, BEF का मतलब होता है बायो एनर्जेटिक फील्ड। बायो एनर्जेटिक फील्ड को ये देता है फ्रीक्वेंसीज। ये क्या बात है मैं अभी आपको बताता हूँ। और उसके बाद नीचे देखिए, माइक्रो करंट्स किसको देता है, ये सेल को देता है माइक्रो करंट्स। तो अब इन बात को हम थोड़ा सा समय लेके समझना चाहेंगे कि इसका क्या मतलब है। सो फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है, हमारे पुराने जो हमारे भारतीय संस्कृति में भी माना जाता है और वर्ल्ड वाइड अब उस पर सहमति भी है, अब माना सभी लोग यही मानते हैं कि हमारी एक बॉडी नहीं है। आप जो मेरी बातें सुन रहे हैं ध्यान से, तो आप मेरी जो बातें सुन रहे हैं ये अपनी कॉन्शियसनेस या अपनी, जिसको हम चेतना कहते हैं, उससे आप सुन रहे हैं। मतलब ये एक हमारी फिजिकल बॉडी है जो दिखती है,
और दूसरी हमारी एक कॉन्शियसनेस है जिसको कि हम स्पिरिचुअल बॉडी भी कहते हैं। तो जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है, वो हमारी फिजिकल बॉडी से जिस माध्यम या जिस मीडियम से कम्युनिकेट करती है उस मीडियम को बोला जाता है बायो एनर्जेटिक फील्ड, जिसको उस डायग्राम में BEF लिखा गया था। इसको इंफॉर्मेशन फील्ड भी बोलते हैं और हम अपनी भारत में इसको ऑरा कहते हैं, ऑरा जिसे हम कहते हैं ये वही होता है। और ये जो माध्यम होता है वो तो बायो एनर्जेटिक फील्ड होता है, मतलब ऑरा होता है। लैंग्वेज क्या होती है, मतलब हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी, उसके साथ आपसी इनका संचार किस भाषा में होता है। तो वो भाषा है, वो लैंग्वेज है फ्रीक्वेंसीज। इसीलिए बहुत सारे शोध हो चुके हैं जिसपे आपने काफ़ी सारे हो सकता है वीडियोस और लिटरेचर भी पढ़ा होगा, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि साउंड का, फ्रीक्वेंसीज का हमारी सेहत पे बहुत अलग अलग तरीक़ों से असर होता है। इसीलिए हम जब आराधना करते हैं या प्रेयर करते हैं तो अलग अलग जो मंत्रों का उच्चारण होता है अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से होता है। वो जो अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीज़ें बनी हैं वो इसीलिए बनी हैं बिकॉज वो हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती हैं, जिसको हम पॉजिटिव या अच्छी वाइब्रेशंस बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस का जो असर है वो हज़ारों सालों से इसको माना गया है और हीली उसको एक साइंटिफिक नोन तरीके से हमारे सामने पेश करता है। मैं वापस उसी डायग्राम पे आता हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे BEF क्या है, बायोनेस्टिक फील्ड। बायोनेस्टिक फील्ड को हीली प्रोवाइड करता है फ्रीक्वेंसीज और हमारी सेल को देता है माइक्रोकरंट। अब सेल को माइक्रोकरंट क्यों देता है, इसके बारे में हम इसके पहले बात कर रहे थे। सेल को माइक्रोकरंट क्यों देता है, जो सेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस वीक हो रहा होता है, जहाँ की सेल्स अपना पोटेंशियल लूज करके ट्यूमर सेल या फिर सेल डिके की तरफ जा रही होती हैं, उनको अगर माइक्रोकरंट मिल जाता है तो माइक्रोकरंट उन सेल के लिए एक संजीवनी के समान काम करता है और वो सेल जो डिके प्रोसेस है वो स्लो करने में मदद मिलती है। सो दोस्तों, मेरी इन बातों को समझ के आप हीली के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा। हीली एक साथ दो काम करता है। सबसे पहले हीली अपने क्वांटम सेंसर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एनालाइज करता है उन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को जो कि हमारे बॉडी में बायोजेनेटिक इम्बैलेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। तो हीली में सबसे चमत्कारिक या सबसे उपयोगी चीज़ क्या है, हीली का क्वांटम सेंसर, जो कि हीली के ठीक पीछे बीचों बीच यहाँ पे होता है, बीचों बीच पीछे होता है क्वांटम सेंसर, जो कि उन माइक्रोकरेंट्स को रीड कर लेता है, जिससे ये उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सेल डीके किस तरीके की कहाँ हो रही है। अब उस पर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए क्लाउड कंप्यूटिंग के इस्तेमाल से हीली डिलीवर करता है उन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को बैक टू द बॉडी, सो दैट जो बायोलॉजिक इम्बैलेंस था वो दूर किया जा सके। इस तरीके से हीली एक साथ एनालाइज और डिलीवर दोनों काम करता है। सो दोस्तों, हीली क्या करता है, हीली कैसे काम आता है, हीली बेसिकली हमारी हेल्थ, वेलबींग और बैलेंस तीनों चीज़ों पे काम करता है। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं अभी बस थोड़ी ही देर में आप समझ जाएंगे। मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज आपने समय दिया है, आप इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आखिरी तक देखिए। कोई भी पिक्चर अगर हम बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो वो फिर मूवी हमें उतनी अच्छी समझ में नहीं आती है। तो लास्ट तक बने रहें और आखिरी में आपके इस वेबिनार से संबंधित जो भी क्वेरीज होंगी हम उसके क्वेश्चन भी लेंगे। हीली को आगे जानने के पहले हमें हीली के जो इन्वेंटर है, हीली के जो डेवलपर है, पहले हमें उन्हें समझना चाहिए। ये है मिस्टर मार्कस किमिके, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट हैं और इन्होंने जब 15 ईयर्स के थे तब इनकी रुचि क्वांटम फिजिक्स में जगी और इनकी रुचि खास करके फिजिक्स को साइकोलॉजी से जोड़ने की थी। इनको उस एज में समझ में आ चुका था कि किसी ना किसी तरीके से फिजिक्स को साइकोलॉजी के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। ये क्वांटम फिजिक्स पढ़ने के लिए जर्मनी की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में गए, मगर वहाँ पे इन्होंने पाया कि रटा रटाया पाठ चल रहा है और जो टेक्स्ट में है बस उतनी ही बात हो रही है, उससे संतुष्ट नहीं हुए। और जब ये 20 साल के हुए उस समय ये भारत में आ गए, पहाड़ों में मॉन्क बन के रहे और
इनको भी शायद इस बात का अंदाज़ा था कि भारत इन चीज़ों में पहले से काफ़ी जागृत और आगे है। 12 साल दोस्तों ये गुजारे हुए हैं पहाड़ों में एज ए मॉन्क। आप इस बात को अंदाज़ा लगाएं, मैं इस बात को हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ कि जो बंदा अपनी 20 साल की उम्र से 32 साल की उम्र तक पहाड़ों में मॉन्क बन के रहे, क्या वो इस एक प्रोडक्ट को इसलिए लॉन्च करेगा कि उसको बिजनेस करना है या पैसे कमाना है? मतलब ये एक क्वेश्चन हम सभी से है। कई लोगों को लगता है कि ठीक है हीली भी, बहुत सारी कंपनियां आती हैं जाती हैं, हीली भी एक प्रोडक्ट है। तो मैं आपको बताऊं, हीली एक्सक्लूसिव है, वर्ल्ड में कोई कंपटीशन नहीं है, और सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक विचारधारा है। विचारधारा को समझने के लिए ही इस बात को समझना ज़रूरी है कि ये उस बंदे ने डेवलप किया है जो कि 12 साल पहाड़ों में रहा हो और अपनी पूरी जो जवानी होती है या सबसे जो आप कह सकते हैं किसी का जो प्राइम टाइम होता है 20 ईयर्स से 32 ईयर्स तक का, वो उस बंदे ने जिसने पहाड़ में गुजार दिया हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए हीली नहीं बेचेगा। हाँ, इसलिए हमारा ये विश्वास है कि हीली में एरर्स हो सकते हैं, कमियां हो सकती हैं, मगर बेईमानी नहीं हो सकती। ये बात तय है, बेईमानी नहीं हो सकती। अब ये वापस जर्मनी गए। जर्मनी जाने के बाद इन्होंने उस क्वांटम सेंसर को डेवलप किया जिस क्वांटम सेंसर से हमारे बॉडी के इम्बैलेंसेस को क्रिएट करने वाली फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई किया जाए। अब उसके लिए इनको एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत थी जो इस पूरी रिसर्च को फंड कर पाए। पैसे की ज़रूरत होती है। इस तरीके से इनके साथ जुड़े मिस्टर क्रिश्चियन हेल्पर। ये भी एक जर्मन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और ये भी एक को ओनर है टाइम वेवर कंपनी के, अलोंग मिस्टर मार्कस किमिके। टाइम वेवर ही वो पेरेंट कंपनी है जिस कंपनी ने हीली को 2019 मार्च में डेवलप किया। टाइम वेवर 20 साल पुरानी कंपनी है, जर्मनी बर्लिन में बेस्ड है। पहले से ये फ्रीक्वेंसी थेरेपी में थे, हज़ारों पेशेंट्स को फ्रीक्वेंसी द्वारा क्योर कर चुके थे। इनकी थोड़ी बड़ी लैपटॉप साइज़ की और बड़े साइज़ की मशीन आया करती थी जिसको प्रॉपर जो थेरेपिस्ट होते हैं वही लोग चला सकते थे, मगर उन्होंने उस बहुत इम्पॉर्टेंट और एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को इतना छोटा बना दिया कि वो कॉम्पैक्ट सा एक ऐसा डिवाइस बन के हमारे सामने है। और ये जो हीली है जो आप इतना पोर्टेबल फॉर्म में देख रहे हैं, ये लॉन्च हुआ था जर्मनी में 2019 मार्च में। जैसा मैंने कहा कि क्वांटम सेंसर मार्कस किमिके ने डेवलप किया, अब उनको एक ऐसे पर्सन की भी ज़रूरत थी जो फ्रीक्वेंसी का जानकार हो, और विश्व प्रसिद्ध हैं ये मिस्टर नूनो नीना। और मिस्टर नूनो नीना ऑलरेडी ये डेवलपर हैं 1,44,000 गोल्ड फ्रीक्वेंसीज़ के और हज़ारों पेशेंट्स को फ्रीक्वेंसी द्वारा क्योर कर चुके थे। ये एक पोर्टुगीज थेरेपिस्ट हैं। तो नूनो नीना का काफ़ी बड़ा योगदान है हीली की फ्रीक्वेंसीज को डेवलप करने में, फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट को बनाने में। एक्चुअली हीली को हम थोड़ा सा और समझें कि हीली बर्लिन बेस्ड है और विस्बेडन, बर्लिन और इनके आसपास में इनका रिसर्च सेंटर है, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। 45 देशों में ये यूज़ किया जाता है और 13 साल से ज़्यादा, इनफैक्ट 13 साल से ज़्यादा 15 साल से ज़्यादा इनका फ्रीक्वेंसी थेरेपी में एक्सपीरियंस है। दोस्तों मैं बार बार फ्रीक्वेंसी थेरेपी कह रहा हूँ तो कई लोगों को इस बात का डाउट होता है या एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है कि फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस तो हीली के अलावा पहले से भी बिकती हैं और भी होती हैं। यस, होती हैं। उन डिवाइसेस में और हीली में क्या अंतर है? बाकी जो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस कुछ पहले बनी थी जो कि सक्सेसफुल नहीं हुई, उनमें अगर मान लीजिए सिर दर्द को फ्रीक्वेंसी द्वारा ठीक करना है तो ये देखा गया कि भाई 100 लोगों का सिर दर्द किस किस फ्रीक्वेंसी पे ठीक होता है। मिस्टर ए का मान लीजिए X1 पे हुआ, बी का X2 पे हुआ, सी का X3 पे हुआ। 100 लोगों की 100 फ्रीक्वेंसी निकाली गई और उन 100 फ्रीक्वेंसीज का एवरेज ले लिया गया और बोला गया कि साहब इस फ्रीक्वेंसी से आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। मतलब एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है, वो दी जाती है फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हीली की खास बात क्या है कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है और सारे प्रोग्राम यूनिक होते हैं। दुनिया में हर किसी के लिए अलग प्रोग्राम मिलता है। आप ही माइग्रेन का प्रोग्राम सुबह लेंगे कुछ और मिलेगा, शाम को लेंगे कुछ और मिलेगा, दोपहर में लेंगे कुछ और मिलेगा। मतलब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को रीड करते हुए डिलीवर करता है। ये हीली की यूनिकनेस है जो किसी और डिवाइस में नहीं है।
सो आपके सामने जो स्लाइड है उसमें आप देख सकते हैं कि करीब 7 लाख एप्लीकेशन हो चुके हैं क्लाइंट्स पे, पेशेंट्स पे वर्ल्ड वाइड बाई टाइम वेवर कंपनी। 45 कंट्रीज़ में वो सर्व करते हैं। 2500 से ज़्यादा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इसको यूज़ करते हैं। हीली में खास क्या है, बहुत यूनिक बात है, ISO 13485 मेडिकल ग्रेड डिवाइस है, मतलब जो आपको इस बात की मेंटल पीस और एश्योरेंस देता है कि ये ह्यूमन यूज़ के लिए सेफ है, सर्टिफाइड है। मेडिकल ग्रेड डिवाइस के बारे में आपको ज़रा सा बताना चाहूँगा कि जैसे आप CD स्कैन कराते हैं या MRI कराते हैं, कोई इस टाइप की डिवाइस आपको खतरे में नहीं डालेगी, आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। इस बात की गारंटी कौन लेता है? इस बात की गारंटी लेता है ISO 13485। तो बिल्कुल उसी दर्जे का सर्टिफिकेशन हीली को भी मिला है जो आपके लिए पूर्णतः सेफ है। हीली एक अमेरिकन FDA द्वारा क्लियर डिवाइस है। हीली के साथ आता है यूनिक कॉम्पेंसेशन प्लान, जिससे कि आप हीली का बिजनेस भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात सबसे नीचे लिखी हुई है, 30 डेज मनी बैक गारंटी। आप में से कई ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि नहीं, ये बातें तो ठीक हैं, लॉजिकली ठीक है, बट क्या सचमुच में ये काम करता है? जो आपका डाउट होगा कि क्या सचमुच में ये काम करता है, क्या सचमुच में आपको इससे फ़र्क पड़ेगा, यस, आप एक नया हीली डिवाइस ऑर्डर करिए। भरपूर खुद पे, पड़ोसियों पे, परिवार पे, रिश्तेदारों में, जितना मर्जी 2400 घंटे उसका भरपूर इस्तेमाल करिए, 30 दिनों बाद भी आप उसको वापस कर सकते हैं और 100% पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। इससे ईमानदार बात तो और कोई नहीं हो सकती थी कि भाई आप हीली को ओन करिए, यूज़ करिए और यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट आप वापस कर दीजिए अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे और कोई ईमानदारी की बात बोली जा सकती है आपको विश्वास दिलाने के लिए। हीली सिर्फ फिजिकल बॉडी पे काम नहीं करता, जैसा मैंने बताया, ये मेंटल बैलेंस पे काम करता है। मेंटल बैलेंस खास करके आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, आपको किसी की याद आ रही है, तो दीज इश्यूज़ आर नॉट, कोई ऑर्गन के प्रॉब्लम तो है नहीं, या किसी को कोई एडिक्शन है, किसी को ड्रग्स, किसी को अल्कोहल, या किसी चीज़ का किसी को एडिक्शन हो रहा है, तो एडिक्शन इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी ऑर्गन फेलियर, इट इज़ काइंड ऑफ, वो एक एनर्जी इम्बैलेंस है जिसको हीली काफ़ी अच्छे से काउंटर करता है। इमोशनल चीज़ों पे काम करता है, इमोशनल लेवल पे काम करता है, मेरिडियंस पे काम करता है। मेरिडियंस मतलब ये वो एनर्जी हाईवेज होते हैं, एनर्जेटिक पाथवेज होते हैं जिनमें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, जो एनर्जी चैनल्स होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, उन पे काम करता है। चक्रास लिखा हुआ है जिसको हम हिंदी में चक्र कहते हैं। हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं और हमें पता है कि अगर हमारे चक्र, जितने भी चक्र हैं, उनकी एनर्जी अगर बैलेंस्ड है तो हमें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इसमें एनर्जी चक्रा के एनर्जी बैलेंस प्रोग्राम्स भी हैं। बायोजेनेटिक फील्ड क्या होती मैंने बताया, उस पर तो ऑफकोर्स काम करता ही है। फ्रेंड्स, लर्निंग में बहुत अच्छा काम करता है। लर्निंग मींस जैसे स्टूडेंट्स एंड ओल्ड एज, खास करके जैसे बच्चा पढ़ रहा है, उसको एग्ज़ाम स्ट्रेस है या एग्ज़ाम फोबिया है, या फिर उसको लगता है याद नहीं होता, मैं भूल जाता हूँ, इस तरीके से भी स्टूडेंट कम्युनिटी में भी ये काफ़ी यूज़फुल है। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हीली का ऐप है वो किस तरीके से काम करता है। और हीली के 2 ऐप होते हैं जैसा हम जानते हैं। एक होता है बेसिक, जिसको हम पिंक डॉट ऐप कहते हैं, कैसा होता है मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा होता है ब्लू डॉट ऐप, जिसको हम रेजोनेंस ऐप भी कहते हैं। तो मैं उस ऐप की स्क्रीन आपके साथ शेयर करूँ, उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हीली के बॉक्स में आपके पास ऐसे 3 टाइप के इलेक्ट्रोड्स आते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड आता है जो कलाइयों में लग जाता है, इसको हम रिस्ट बैंड भी कहते हैं। तो ये कलाइयों में लगने वाला बैंड होता है जिसको हम कलाइयों में इस तरीके से पहन लेते हैं। ये रबर मटेरियल है, वॉशेबल है और मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बहुत टाइट बांधने की ज़रूरत नहीं होती है, बस स्किन में चिपका रहे इस तरीके से आप इसको लगा लेते हैं। दूसरे टाइप का जो इलेक्ट्रोड आपको हीली के साथ मिलता है, वो ऐसा मिलता है जो एडहेसिव इलेक्ट्रोड होता है। एडहेसिव मतलब जैसे आपका कोई प्रॉब्लम एरिया है कि आपको यहाँ पे कहीं पे दर्द हो रहा है, तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से चिपका लेंगे। ये 2 हैं, इन दोनों को आप यहाँ पे चिपका लेंगे।
थोड़े थोड़े दूर पे, 2-3 इंच दूरी पे आप इसको चिपका लेंगे। ये एडहेसिव इलेक्ट्रोड है। तीसरे टाइप का इलेक्ट्रोड जो आपको हीली के साथ मिलता है वो ये ईयर क्लिप मिलता है। ये भारत में सप्लाई तो होता है बट जैसे US में ये सप्लाई नहीं होता। US में इसकी बजाय छोटे छोटे ईयर पैड्स आते हैं, वो लग जाते हैं वहाँ पे, मगर भारत में ईयर क्लिप सप्लाई होता है, जिसको कि इस तरीके से आप दोनों अपने कान में इस तरीके से प्लग कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी देने के लिए। अब जैसे मैंने ये हाथ में रिस्ट बैंड लगा दिया, अब उसके साथ ये केबल होती है, इस केबल को कनेक्ट करना होता है हीली में। तो मैं जो मेरा हीली है ये आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हीली जो मैं यूज़ करूँगा, ये तो दिखाने वाला है, ये जो यहाँ लगा हुआ है ये तो दिखाने वाला है ना, इधर लगा हुआ है तो मैं यूज़ तो ये वाला कर रहा हूँ। तो एक्चुअली इसके अंदर में यहाँ पे 2 छेद होते हैं, उन 2 छेद में ये इलेक्ट्रोड लग जाता है। इसके बगल में दिखा दूँ, 1 छेद और होता है। ये जो छेद है इधर पे, ये चार्जिंग के लिए होता है। तो बेसिकली यहाँ 2 छेद इलेक्ट्रोड के लिए होते हैं, तीसरा चार्जिंग पोर्ट होता है, आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और बस एक बीच में बटन होती है जिसको दबा के इसको ऑन किया जाता है, ऑफ अपने आप हो जाता है। आप ऐप ऑफ करते हैं तो ये अपने आप ऑफ हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड के लिए जो तार थे, ये दोनों को मैंने इसमें इस तरीके से लगा दिया। जो दूसरा छोर है इसका, ये दूसरा छोर जो है, ये दूसरा छोर लग जाएगा ये जो रिस्ट बैंड है इसमें, मतलब यहाँ पे इस तरीके से ये लग गया। आपको लग रहा है तार का ये सब तो बड़ा जंजाल हो गया, तो अगले ही महीने एक हीली कॉइल करके लॉन्च हो रहा है, वो अलग से एक्सेसरी है, आपको परचेस करना पड़ेगा। हीली कॉइल में क्या होगा कि ये जो तार है यहाँ से निकल जाएंगे, इसकी बजाय एक छोटा सा ऐसा डिवाइस है सेमी सर्कुलर आकार का, वो यहाँ पे फिट हो जाएगा। और कई सारे प्रोग्राम्स हैं, सब तो नहीं मगर कई सारे इसके जो प्रोग्राम्स होंगे, वो आराम से आप हीली में कॉइल लगा के 2-3 मीटर के दायरे पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना तार के भी वो काम करेगा। मगर हाँ, उस तरीके से सारे प्रोग्राम नहीं चलेंगे, कौन से चलेंगे कौन से नहीं चलेंगे वो ऐप में बताया जाता है। तो मैं आपको जो मेरा स्क्रीन है ऐप का, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे मोबाइल का स्क्रीन है, इसमें पिंक डॉट ऐप जो कि हीली का बेसिक ऐप होता है, ये आपके स्क्रीन पे मेरा दिख रहा है। क्योंकि मेरे पास जो मैंने डिवाइस जिससे कनेक्ट किया उसमें, क्योंकि रेजोनेंस है, इस वजह से सारे प्रोग्राम पेजेस हैं, ये आ चुके हैं, इसमें सारे प्रोग्राम पेजेस हैं। जब भी आपके पास हीली नया आता है तो आपको जो पहला प्रोग्राम होता है गोल्ड साइकिल, यहाँ से शुरुआत करनी होती है। आप गोल्ड साइकिल से शुरुआत करते हैं। गोल्ड साइकिल पूरी बॉडी पे काम करता है, जो कि नूनोनीना गोल्ड साइकिल जिसको बोला जाता है, प्योर डिटॉक्सिफिकेशन का होता है, केयर बैलेंस बीइंग, ऐसे ढेर सारे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। और ये सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं बॉडी के अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। जैसे कि जो बीइंग आपको दिखता है, बीइंग इमोशनल लेवल पे काम करता है, एनर्जी रिलैक्स रिलीज। अब मैंने आपको ये दिखाया था कि 3 टाइप के इलेक्ट्रोड हैं, तो कौन सा इलेक्ट्रोड कब यूज़ होगा ये हीली बताता है आपको। जैसे मान लीजिए मैंने प्योर सेलेक्ट किया, ये देखिए ये इशारा कर रहा है कलाइयों की तरफ, इसका मतलब कि आपको रिस्ट बैंड यूज़ होगा। अगर मान लीजिए मैं पेन साइकी में जाके क्रोनिक बैक पेन चुनता हूँ, तो ये देखिए गोल गोल ये एडहेसिव इलेक्ट्रोड दिखा रहा है, जिससे कि आपको ये पता चल रहा है कि मेरे को जो एडहेसिव इलेक्ट्रोड है चिपकाने वाले जो स्टिकर्स थे वो यूज़ करने हैं। ऐसे ही अगर मैं माइग्रेन सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए ईयर क्लिप यूज़ होगा ये बता रहा है। मतलब कौन सा माइग्रेन, मतलब कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ होना है ये डिवाइस खुद आपको बताता है। इसमें मान लीजिए मैंने कोई सा भी एक प्रोग्राम सपोज़ एनर्जी सेलेक्ट किया, तो एनर्जी सेलेक्ट किया तो ये बता रहा है 55 मिनट्स का ड्यूरेशन है मैक्सिमम ड्यूरेशन। कम भी हो सकता है बिकॉज ये रियल टाइम पे मेरे बॉडी को रीड करते हुए चलता है। हीली के ऊपर जो 71% लिखा हुआ है वो मेरे हीली डिवाइस का बैटरी परसेंटेज बताता है। आप देखेंगे काफ़ी यूज़र फ्रेंडली और बहुत इजी ऐप है। अगर मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, इस प्रोग्राम को मैंने स्टार्ट किया, तो ये प्रोग्राम अब ट्रांसमिट हो रहा है मेरे मोबाइल से हीली पे। इसमें इंटरनेट का यूज़ नहीं होता है, जो दोनों इसके ऐप होते हैं वो स्टैंड अलोन होते हैं, आप आराम से उनका इस्तेमाल बिना इंटरनेट के भी कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये थोड़ा ट्रांसमिशन कई बार स्लो होता है। स्लो होने के पीछे कारण ये है कि ये जो डिवाइस है वो एक FDA क्लियर्ड और बहुत
क्योंकि मेडिकल डिवाइस है, आप कभी भी इसको ऐसे एक्सपेक्ट मत करिए कि व्हाट्सएप की तरह स्मूथ काम करे। कई लोग कहते हैं अरे तो उतना स्मूथ नहीं है, भैया मेडिकल डिवाइस है ये, आप चैट करने के हिसाब से व्हाट्सएप या फेसबुक ऐप के हिसाब से मत सोचिए, ये क्योर कर रहा है, ये मेडिकल ग्रेड डिवाइस है, तो काफ़ी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से मूव करता है, इस वजह से कई बार लोगों को लगता है कि ये स्लो है। अब आप देखिए ये इस तरीके से स्टार्ट हो गया, जो नीचे इंटेंसिटी दिख रही है 15% है, मैं इसको अपनी सहनशीलता के हिसाब से बढ़ा लूँगा, ये सिर्फ स्किन इंटेंसिटी से, इसका कोई और दूसरा औचित्य नहीं है, मैं अपनी स्किन को जितना मुझे कंफर्टेबल हो मैं बढ़ा सकता हूँ। मैंने क्योंकि मेरे हीली की हाई करंट सेटिंग की हुई तो 55 में ही मेरे को उंगलियों पे बहुत ज़्यादा सेंसेशन लग रहा है, मुझे कम करना पड़ेगा ये 50, इसमें सेटिंग होती है हाई करंट लो करंट, मेरा डिवाइस हाई करंट पे है, नॉर्मली तो अगर लो करंट पे होता तो 60-70-80% पे भी मुझे कुछ नहीं होता, बट अभी भी जैसे मेरे हाथों में झुनझुनी लग रही है मेरे को 50 में भी, बट सबकी बॉडी अलग अलग होती है, कुछ लोग होते हैं उन्हें 100 भी पता नहीं चलता, अब मेरी बॉडी ऐसी है कि मेरे को 50 है अभी, जैसे 45 है बट 45 में मैं अभी मतलब फील कर सकता हूँ मेरी उंगलियों पे, तो वो डिपेंड करता है, सबकी अपनी बॉडी होती है। अब ऊपर आप देखिए 55 मिनट्स रिमेनिंग बता रहा है, जो मैंने कुछ देर पहले बोला था कि क्वांटम सेंसर आपको रीड करते हुए रियल टाइम पे ऑटोमेटिक चलता है, वो बात आप ऊपर देखिए, अभी क्या लिखा हुआ है 938.3 हर्ट्ज़, अभी वो फ्रीक्वेंसी मेरे को 938.3 हर्ट्ज़ दे रहा है, और अभी आप देखिए चेंज हो जाएगी, देखते रहिए उसको, 403.1 हो गया, चेंज हो गया, एक्चुअली वो चेंज इसलिए हो गया कि मेरे बॉडी को अभी जैसे 403.1 दे रहा है तो वो साथ में इसको क्वांटम सेंसर चेक कर रहा है कि अगली फ्रीक्वेंसी कौन सी देनी है। अब मुझे जिस ऑर्डर में दे रहा है आपको भी वैसे ही देगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपके लिए ऑर्डर अलग हो सकता है, मेरे लिए ऑर्डर अलग हो सकता है, और ये इसीलिए हर पर्सन के कस्टमाइज वे में उस पर्सन के लिए चलता है। ऑफकोर्स ऐप की और मोबाइल की बैटरी ड्रेन ना हो इसलिए ऊपर एक ब्लूटूथ ऑफ़ करने का बटन दिया है, मैं उसको ऑफ़ कर दूंगा तो मोबाइल हीली से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और हीली अपना प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इस तरीके से बैटरी कंजम्पशन हम डिवाइस का और मोबाइल का दोनों को बचा सकते हैं। टैप कर दूंगा तो पॉज हो जाता है, दोबारा टैप कर दूंगा तो फिर से शुरू हो जाता है। स्किन इंटेंसिटी वाली बात आप समझ गए, देखिए बहुत ईजी है, हीली के साथ अभी कभी आप गलत कर ही नहीं सकते क्योंकि ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है, सब कुछ हीली खुद तय करता है। फिलहाल मैं इस प्रोग्राम को बंद करता हूँ, वापस देखिए गोल्ड साइकिल, मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी जल्दी में मैं आपको सारे प्रोग्राम पेजेस दिखा दूँगा। पेन साइकी, ऑफकोर्स इसमें पेन और साइकी दोनों कवर होता है, शुरुआत के ऊपर के 4 प्रोग्राम पेन के हैं, नीचे वाले साइकी के हैं, आप देख सकते हैं माइग्रेन, इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। लर्निंग प्रोग्राम जो मैंने बताया बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, लर्निंग सिस्टमेटिक, जैसे 3-4 बच्चे कभी हॉस्टल में रहते हैं कहीं हैं तो 3-4 बच्चे मिलके भी एक हीली ले लिए और खाली लर्निंग प्रोग्राम ही यूज़ करें, आप सोचिए एक एक पेज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, एक एक पेज इसका करोड़ों 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 का कारोबार है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बीमार लोगों के लिए है, स्वस्थ लोगों के लिए। जैसे लर्निंग पेज आप देखिए, मेमोरी इन्हांसमेंट, लर्निंग सिस्टमेटिक प्रोग्राम, कंसंट्रेशन, एग्ज़ाम सिस्टमेटिक, एग्ज़ाम एक्यूट, स्ट्रेस, हाँ जिन प्रोग्राम्स में एक्यूट लिखा है सबसे नीचे देखिए स्ट्रेस एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है वो ईयर क्लिप से चलेगा। स्ट्रेस सिस्ट लिखा हुआ है, SYST, सिस्ट मतलब सिस्टमेटिक प्रोग्राम, सिस्टमेटिक प्रोग्राम सारे कलाइयों से चलते हैं। कभी हमारी जब हीली फॉर वर्ल्ड ग्रुप की हमारी जब अलग से यूज़र की मीटिंग होती तब मैं आपको सिस्टमेटिक प्रोग्राम का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी तो सिर्फ हम प्रोग्राम पेजेस देख रहे हैं। इसके बाद आगे देखिए फिटनेस, अगेन फिट लोगों के लिए ये पेज भी है, वेट मैनेजमेंट, ऑफकोर्स इट्स नॉट अ वेट लॉस प्रोग्राम, मसल सर्कुलेशन, परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, रिजनरेशन, जैसे आप कभी एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन लेने की बजाय यू कैन टेक रीजनरेशन प्रोग्राम, ये उसी पर्पस के लिए है। जॉब एंड स्लीप एक्टिवेशन, पॉजिटिव थॉट्स, फैटिक, एग्जॉशन, एक्सट्रीम स्ट्रेस, स्लीप सिस्टमेटिक प्रोग्राम, बेड रेस्ट, नीचे के देखिए प्रोग्राम स्लीप के, स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत लोगों को होता है और बहुत सारी बीमारियों की जो वजह है वो स्लीप का स्लीप पैटर्न ठीक से ना होना ही कई बार वजह होती है। मेंटल बैलेंस दोस्तों बहुत कारगर है, ये बहुत कारगर पेज है ये, मैंने जैसा शुरू में आपसे बोला था कि एक एक पेज मतलब इतना महत्वपूर्ण है, इसका कंटेंटमेंट मतलब जो हैबिट फॉर्मेशन होता है, इनर यूनिटी,
वेल बीइंग, सोल, मेंटल बैलेंस, एक्यूट, इनर स्ट्रेंथ, फील गुड, ये सभी इतने इफेक्टिव प्रोग्राम्स हैं और सब ऑटोमेटिक मोड में चलते हैं आपको रीड करते हुए. ब्यूटी स्किन, आप ब्यूटी स्किन देखिए कितना रिलेवेंट पेज है. ब्यूटी में हेयर फॉल प्रोग्राम है, इनर ब्यूटी है, स्किन है, एजिंग है, नेल्स है, स्किन इलास्टिसिटी. हमारे पास ऑलरेडी टेस्टिमोनीज है स्किन इलास्टिसिटी की, हमारे VMG हैं इन्हीं की स्किन इलास्टिसिटी टेस्टिमोनी है, हेयर्स की टेस्टिमोनी है, हेयर फॉल रुकता है. फिर सपोर्ट स्किन सिस्ट जो नीचे दिखता है वो वुंड के लिए होता है, उसके बगल में स्किन इम्प्योरिटी है वो मुहासों के लिए या किसी भी तरीके के दाग के लिए है. फिर सपोर्ट स्किन लोकल, किसी चोट है कहीं आपकी, कुछ लिजामेंट रप्चर ऐसा कुछ है वहाँ पे आप उसको लगा सकते हैं. फिर स्कार्स लोकल, स्कार्स सिस्ट, लोकल का मतलब एडेसिव लेटरोड लगा करके लेना पड़ेगा आपको, ये देखिए स्टिकर लगा के. और जो सिस्ट है स्कार सिस्ट वो कलाइयों से लिया जाएगा. अगर बॉडी में दाग कई जगहों पर हैं तो आप सिस्मेटिक प्रोग्राम लेंगे, किसी एक जगह पे है तो आप लोकल लेंगे, इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं. बायोनोस्टिक हार्मोनी 1-2, ये हमारे घर का फर्स्ट एड बॉक्स है. देखिए बहुत ज़रूरी आजकल के समय में जिस तरीके का पेंडेमिक अभी कहर चल रहा है, इम्यून सिस्टम्स सबको ज़रूरत है. चिलिंग मतलब कोल्ड प्रोग्राम्स. मैं मतलब कोविड के बारे में कुछ कहना तो नहीं चाहूँगा, मगर मेरा खुद का, मेरे अपने घर पे मेरी वाइफ के साथ का एक्सपीरियंस है कि जो चिलिंग प्रोग्राम है कोल्ड, इट इज़ सुपर 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 अमेजिंग प्रोग्राम. सर्दी है, नाक बंद है, आपको सांस लेते नहीं बन रहा, आप चिलिंग प्रोग्राम लीजिए, 15 से 20 मिनट में ही असर दिखा देता है. हाइपर सेंसिटिविटी मतलब एलर्जीज़. आईज़ की हमारे पास बहुत अच्छी टेस्टिमोनीज़ है, ऐसे लाइलाज चीज़ें थी आईज़ में जो लोगों की उससे ठीक हो रही हैं. हॉर्मोन्स मेल फीमेल सबके लिए बहुत यूज़फुल है. कई बार हम कई बीमारियों से काफ़ी परेशान रहते हैं और डॉक्टर भी कई बार कई बीमारियों को समझ नहीं पाते हैं, बट मैंने ये देखा है कि अगर आप हॉर्मोन्स या टॉक्सिन्स प्रोग्राम लेते हैं उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है. देन फ्लेक्सिबिलिटी, BP पेशेंट्स के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पोटेंसी, मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन, आगे देखिए गैस्ट्रो, बैक्टीरिया, टॉन्सिल, लीवर, फूड सेंसिटिविटी, टॉक्सिन, हेड अच्छा है वर्टिगो पेशेंट्स के लिए, प्रोस्टेट, लंग्स, थायराइड, जॉइंट बोन, साइटिका. देखिए सारे नाड़ी तंत्र हैं यहाँ पे, मेरिडियन 1, मेरिडियन 2, सारे नाड़ी तंत्र हैं. मतलब ये आप देख सकते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए स्प्लीन, पैंक्रिया, स्टोमैक, किडनी, फिर लिम्फेटिक सिस्टम्स, लंग्स काफ़ी यूज़ हो रहा है आजकल इन दिनों. और यहाँ पे आप देखिए मेरिडियन 1 में फैटी डिजेनरेशन और हार्ट, ये हार्ट पेशेंट्स के लिए काफ़ी काम में आता है. फैटी डिजेनरेशन प्रोग्राम जो है वो कोलेस्ट्रॉल पे असरदारक होता है. फिर इसके बाद मैंने बोला था ना, ये चक्रास पे भी काम करता है. शुरुआत में जब हम बात कर रहे थे, देखिए इसमें चक्रा बैलेंसिंग प्रोग्राम्स हैं. क्राउन चक्र स्पिरिचुअल कनेक्ट के लिए हो गया, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल रूट, मींस हम अलग अलग चक्रास की एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं. प्रोटेक्शन प्रोग्राम काफ़ी यूज़फुल है, प्लैनेट्स तक भी है नीचे देखिए, जनरल प्रोटेक्शन. इसकी खास बात है ये देखिए, ये इशारा कर रहा है कि इलेक्ट्रोड की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जेब में भी रख सकते हैं. तो जो प्रोटेक्शन प्रोग्राम होते हैं वो बिना इलेक्ट्रोड के भी चलते हैं. उसके बाद डीप साइकिल प्रोग्राम सिस्टमेटिक काम करता है और बॉडी के बहुत सारे अलग अलग लेवल पे ये यूज़फुल होता है, लाइक फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन. आप देखिए इस तरीके से ये सिस्टमेटिक ब्रेथ ऑफ लाइफ लंग्स पे हो गया, फिर क्लीन ऑल डिटॉक्सिफिकेशन हो गया. कभी आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, कोई पार्टी वगैरह गए आपने, बदहजमी हो गई, तो आप डाइजेस्ट ऑल ले सकते हैं. मीन्स बेसिकली हर मर्ज की दवा फ्रीक्वेंसी, हर मर्ज की दवा फ्रीक्वेंसी, ये है हीली का काम. ये दोनों प्रोग्राम अभी बहुत नए प्रोग्राम है, कोहरेंस खास करके इसी साल लॉन्च हुआ है और काफ़ी यूज़फुल प्रोग्राम है. तो ये जो मैंने आपको ऐप दिखाया ये था pink.app. आप देखिए ऊपर ये मेरे स्क्रीन पे जो पिंक डॉट आपको दिख रही है, जो ग्रे कलर में पिंक डॉट है, ये हीली का बेसिक ऐप है. और राइट साइड में जो आपको दिख रहा है हील एडवाइज़र ऐप, हील एडवाइज़र ऐप जो है वो एक्चुअली रेजोनेंस ऐप है. तो मैंने ये रेजोनेंस ऐप शुरू किया. मैं सेकेंड ऐप जो रेजोनेंस ऐप है वो आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ. मैंने रेजोनेंस ऐप को शुरू किया. रेजोनेंस ऐप में आपको, इसको थेरेपिस्ट प्रोग्राम भी बोला जाता है, जैसे कि आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से मुझे नहीं पता कि आपको किन फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत है, तो मैं आपका प्रोफाइल बना के इसमें स्कैन कर लूँगा
जिससे मुझे पता चल जाएगा कि इस वक्त आपके बॉडी को किन फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत है। थेरेपिस्ट प्रोग्राम है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे किसी नए पर्सन का प्रोफाइल बनाना है, क्लाइंट ऐड करना है, तो मैं पहले होम पे जाऊँगा, फिर क्लाइंट्स में गया, फिर ऐड न्यू क्लाइंट करूँगा, तो आप देखिए पर्सन, एनिमल, प्लांट, ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग, व्हीकल, ग्रुप, सब कुछ है। मतलब आप जानवरों का, बिल्डिंग का, प्लांट का, सबका प्रोफाइल बना सकते हैं, एनिमल्स तक को आप हीलिंग दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने पर्सन चुना, तो पर्सन में ये प्रोफाइल इस तरीके से बनाना होता है, आप ऊपर फ़ोटो डाल सकते हैं, फिर नीचे वाइब्रेशन रिकॉर्ड करना होता है। वाइब्रेशन रिकॉर्ड करने में जब मैं प्लस साइन दबाता हूँ, तो अब देखिए रिकॉर्ड वाइब्रेशन आ रहा है। इस समय मुझे हीली को अपने राइट हैंड पे रखना होता है, या जो भी पेशेंट है जिसको मुझे क्योर करना है या जिसको मुझे स्कैन करना है, उसके हाथ में मैं हीली को रखता हूँ और रिकॉर्ड वाइब्रेशन का प्लस साइन दबा देता हूँ। तो हीली का क्वांटम सेंसर उसकी वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करता है और वाइब्रेशन से डेटा लेता है और उसके फ़ोटो से डेटा लेता है, उनको मर्ज करके उस पर्सन की जो बायोनेस्टिक फील्ड है वो पता कर लेता है। और यही डिजिटल सिग्नेचर होता है हर इंसान का, और हर इंसान यूनिक होता है, और इसी आइडेंटिटी के थ्रू हीली उस इंसान तक पहुंचता है। किसके थ्रू? ये जो वाइब्रेशन रिकॉर्ड किया यहाँ से, इसके थ्रू, और जो आपने फ़ोटो अपलोड किया ऊपर, उसके थ्रू। बिकॉज हीली का ऐप इतना एडवांस्ड है कि ये फ़ोटोग्राफ से भी आपकी इंफॉर्मेशन फील्ड निकाल लेता है। मतलब कोई आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर है, आप उसके हाथ में रख के वाइब्रेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप उसकी एक क्लियर फ़ोटो बुला के भी अपलोड कर दीजिए, फ़ोटो से भी इंफॉर्मेशन फील्ड निकाल लेता है। मगर हाँ, हीली की तरफ से ये एडवाइजेबल है कि आप फ़ोटो भी लगाएं और उसकी वाइब्रेशन भी रिकॉर्ड करें। बाकी जो चीज़ें, फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें तो बस आपकी जानकारी के लिए। हीली उस पर्सन तक सिर्फ फ़ोटो और वाइब्रेशन द्वारा पहुँचता है। उसका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, नेम, ये सब बातें तो अब आप क्योंकि क्लाइंट प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं किसी का, तो ये आपकी अपनी जानकारी के लिए है। हीली को तो इससे कोई मतलब नहीं है, वो वाइब्रेशन और फ़ोटो से ही आपकी इंफॉर्मेशन फील्ड निकाल लेता है। तो मैंने इस तरीके से प्रोफाइल बनाया हुआ है, जैसे आप देखेंगे कि ये आदित्य मिश्रा, ये मेरे बेटे का प्रोफाइल है। नीचे आप देखेंगे जैसे ये दिनेश, ये मेरा प्रोफाइल बना हुआ है। और मेरे में आप देखिए रिकॉर्ड वाइब्रेशन में भी वाइब्रेशन आपको दिख रही होंगी, ज़िगज़ैग सा निशान बना हुआ है, मेरी वाइब्रेशन भी वहाँ रिकॉर्डेड है। और बाकी मैंने ज़्यादा चीज़ें इसमें डाली नहीं है। अब मैं मान लीजिए स्कैन करके आपको दिखाना चाहता हूँ। दो तरीके के स्कैन होते हैं इसमें, पहला होता है ऑरा, दूसरा रेजोनेंस एनालिसिस होता है। ऑरा एनालिसिस अगर मैं करता हूँ, मैंने ऑरा सेलेक्ट किया, मेरा प्रोफाइल सेलेक्ट किया, रिकॉर्ड ऑरा, अब ये मेरी ऑरा को रिकॉर्ड कर रहा है हीली। हीली का क्वांटम सेंसर मेरी इन्फॉर्मेशन फील्ड को रीड कर रहा है इस समय, और मेरे जो बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर हैं, चक्र हैं, उनकी एनर्जी डिटरमाइन कर रहा है। ये देखिए, ये एनर्जी लेवल आ रहा है मेरी अलग अलग जो भी चक्रास हैं, जैसे सबसे राइट में आप देखिए रूट की एनर्जी है, उसके बाद सैक्रल है, फिर प्लेक्सस है, फिर हार्ट है, फिर थ्रोट है। मगर ये जो भी एनर्जी लेवल दिखा रहा है वो इस क्षण का दिखा रहा है। ये कब मैंने फ़ोटो खींची थी, कब प्रोफाइल बनाया था, उससे कोई वास्ता नहीं है। जब मैं स्कैन करूँगा उस मोमेंट का मुझे बताएगा, भले ही मेरे फ़ोटो और प्रोफाइल कभी भी क्रिएट किया हो। अब मैं स्टार्ट एनालिसिस पे जाऊँगा, तो ये यहाँ से मैं एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ। अब हीली मेरा एनालिसिस कर रहा है प्रॉपरली, जो भी कमियाँ एनर्जीज मेरे पाया था उसको एनालिसिस कर रहा है। अब यहाँ पे इसने एक पीडीएफ जनरेट कर दिया है। एक्शंस के थ्रू मैं पीडीएफ को यहाँ पे देख करके किसी को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, अपनी स्थिति भेज सकता हूँ। ऐसे ही मैं किसी क्लाइंट को स्कैन करके उसकी स्थिति का पीडीएफ निकाल के मैं भेज सकता हूँ। वाइब्रेट भी मैं कर सकता हूँ, तो मैं ट्रांसमिशन ड्यूरेशन 1 मिनट 20 सेकेंड दिया है, इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, आपको मुझे डेमो दिखाना है। तो 8 सेकेंड 444 जेड लिखा है, जेड का मतलब मिली सेकेंड है, तो 8 सेकेंड 444 मिली सेकेंड्स मैंने चुना और स्टार्ट कर दिया। तो अब हीली मेरी इन्फॉर्मेशन फील्ड में
एफर्मेशंस सेंड कर रहा है जिससे कि मेरे जो चक्रास की एनर्जी है उसको ये इस तरीके से बैलेंस करता है। और ये ड्यूरेशन मैं 8 सेकंड का चुना हूँ, ये हम नॉर्मली 1 मिनट के अंदर का कोई सेशन देते हैं जिसको हम ऑरा क्लीनिंग भी बोलते हैं। अब मैं वापस ज़िगज़ैग बटन दबाता हूँ, मैं वापस शुरुआत में आ गया। अब मैं जाता हूँ अगर रेजोनेंस एनालिसिस में, रेजोनेंस एनालिसिस में गया मैंने, फिर से मेरा प्रोफाइल चुना, कंटिन्यू विद डेटाबेस। अब आप देखिए ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अभी रिसेंटली ये 2-3 दिनों पहले अभी इनफैक्ट कल अपडेट हुआ है, ये बहुत सारे नए प्रोग्राम्स इसमें आए हैं। ऊपर देखिए मेरिडियन 2, मेरिडियन 1, फिर नीचे देखते जाइए ये नया आया है, हीली स्टिमुलेशन प्रोग्राम्स आए हैं, उसके बाद बायोनस्टिक रिवाइटलाइजेशन प्रोग्राम्स आए हैं। मतलब मैं इन सब थेरेपीज़ के लिए अपने आप को स्कैन कर सकता हूँ, क्रिएटिव होम्योपैथी, साइकी, इस तरीके से अलग अलग डेटा बेसिस जिनसे मैं अपने आप को स्कैन कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ ब्यूटी पे काम करना है, मैं ब्यूटी प्रोग्राम पे काम कर सकता हूँ, स्लीप पे काम कर सकता हूँ, सिशलर सॉल्ट है, अलस्कन जैम है, ऑस्ट्रेलियन बुश फ्लावर, बैक फ्लावर रेमेडी, फिर डिजिटल न्यूट्रिशन, दोस्तों बहुत बढ़िया प्रोग्राम है डिजिटल न्यूट्रिशन, मतलब ये हमारे बॉडी को न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज के लिए स्कैन करता है और उन पाई गई कमियों को रिप्लेनिश करता है, वो भी फ्रीक्वेंसीज के ही द्वारा। फिर अगर आप जानवर का कोई प्रोफाइल बनाए हैं तो उसके लिए एनिमल प्रोग्राम भी रन कर सकते हैं, कोई एनिमल्स का, कैट डॉग का, या किसी भी एनिमल का प्रोफाइल बना सकते हैं, उसकी वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करके एनिमल्स को भी आप हीलिंग दे सकते हैं इससे। आप सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा है बेचारा कुछ महीनों का, वो अपनी दुख तकलीफ तो नहीं बता पाएगा मुँह से बोल के, तो ऐसे छोटे से छोटे बच्चों पर भी रेजोनेंस यूज़ किया जा सकता है। तो कितना महत्वपूर्ण है कि आप जो बेजुबान जानवर है या छोटा बच्चा है उनको भी हीलिंग दे सकते हैं, आप प्लांट्स को हीलिंग दे सकते हैं, आप बिल्डिंग्स का प्रोफाइल बना के बिल्डिंग की जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उन पे आप काम कर सकते हैं। तो बहुत अलग अलग लेवल पे काम करता है ये, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीमार लोगों के लिए ही है बल्कि वेलबींग के लिए बना हुआ है। आप इसी में नीचे देखिए अमीनो एसिड्स के लिए स्कैन कर सकते हैं, उसके बाद मटेरिया मेडिका, मतलब ये भी होम्योपैथी है, उसके लिए स्कैन कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए ऑल हिली प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करता हूँ और ऑल हिली प्रोग्राम के लिए स्टार्ट एनालिसिस करता हूँ। थम यहाँ पे मैं कौन सा रखता हूँ वो रिलेवेंट नहीं है, बस थम रखते हुए मैं जिसको भी हील करना चाहता हूँ उसके लिए ये सोचूँ कि नाउ वो पर्सन बहुत हेल्दी है और अच्छा महसूस कर रहा है, ऐसा सोचते हुए हम स्कैन रन करते हैं। हिली ने मुझे स्कैन कर लिया, सबसे ऊपर 70% पे मेरे लिए स्लीप प्रोग्राम्स रिकमेंड कर रहा है, और उसके बाद 56% पे बायोनेस्टिक हारमोनी, फिर 54% पे मेंटल बैलेंस, फिर 54 पे मेरिडियन 2, फिर 51 पे हीली स्किन प्रोग्राम्स। तो बेसिकली हीली, जैसा मैंने बताया आपको, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में ही बताता है। अब ये जो नाम लिखा है हीली सील प्रोग्राम, बायोनेस्टिक हारमोनी 1 प्रोग्राम, ये प्रोग्राम पेजेस के नाम है। मतलब देखिए कितने प्रोग्राम पेज बताया मेरे लिए, 1, 2, 3, 4, 5। जब भी आप स्कैन करेंगे तो आपके लिए हीली हमेशा टॉप 5 प्रोग्राम पेजेस को चुनता है। और अब मैं अगर स्लीप प्रोग्राम के अंदर जाके स्कैन करूँगा तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि स्लीप के अंदर से मेरे लिए कौन से 5 प्रोग्राम उठा रहा है ये। मतलब बेसिकली अभी हीली ने मेरे लिए 5 प्रोग्राम्स को चुना है, प्रोग्राम पेजेस को चुना है, और हर पेज के अंदर में से 5-5 प्रोग्राम उठाए हैं। मतलब अब मैं यहाँ से एक्शन करके वाइब्रेट करूँगा तो हीली मुझे एक साथ उन 25 प्रोग्राम पेजेस का कॉकटेल प्रोवाइड करेगा, एक ऑप्टिमम बैलेंस प्रोवाइड करेगा। जबकि पिंक ऐप से, जो मैंने इसके पहले दिखाया था, मैं अगर मान लीजिए स्लीप का कोई एक प्रोग्राम लूँगा तो वही प्रोग्राम मेरा चलेगा करीब 40-50 मिनट। मगर यहाँ पे अगर मैंने एक्शंस करके वाइब्रेट किया, वाइब्रेशन में मान लीजिए मैंने 17 सेकेंड 875 मिली सेकेंड्स चुना और स्टार्ट किया, तो ये इस छोटे से ड्यूरेशन में मेरे को एक साथ 25 प्रोग्राम्स, 5 प्रोग्राम पेज, और हर प्रोग्राम पेज के अंदर से 5-5 फ्रीक्वेंसीज, 25 फ्रीक्वेंसीज का कॉकटेल मेरे को सर्व कर रहा है। हाँ, टेक्नोलॉजी दोनों बिल्कुल अलग है। ये एफर्मेशन सेंड करता है, मतलब फिजिकली ये मेरे बॉडी में कुछ जाने की बजाय मेरे बॉडी में ही चीज़ों को जागृत करता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन फील्ड में काम करता है ये। जो मैंने आपसे बोला था शुरुआत में, डायग्राम बता के BEF में फ्रीक्वेंसीज देता है। उसके अलावा जो पिंक ऐप था, इसके पहले जब हमने बात किया था, तो जो पिंक ऐप होता है
पिंक कैप आपको देता है माइक्रो करेंट्स। तो बेसिकली जो रेजोनेंस ऐप है, जो ये ऐप है, इसको हम थेरेपिस्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। और डेटा सो फ्रेंड्स, अभी तक आप देख रहे थे हमारे संडे वेबिनार की रिकॉर्डिंग, जिसमें कि हीली की टेक्नोलॉजी, हीली के एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल में मैंने बताया हुआ है। और ऐसे वेबिनार हम हर संडे करते रहते हैं, और लाइव ऐसे वेबिनार्स को अटेंड करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। और हमारे ग्रुप में हीली फॉर वर्ल्ड में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसका यूज़ करें, और आपका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा, जिससे कि आपको हीली का डैशबोर्ड फ्री में एक्सेस हो जाएगा, जहाँ पे आप ढेर सारे ट्यूटोरियल वीडियोस देख सकते हैं और काफ़ी सारे कॉन्टेंट्स हैं जिनको आप डाउनलोड करके अपना हीली पे नॉलेज बेस बढ़ा सकते हैं। एंड हीली के डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ना सिर्फ वहाँ से आप अपने हीली को कंट्रोल कर सकते हैं, आप सपोर्ट टिकट्स रेज कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस पूरा मॉनिटर कर सकते हैं। हमारा जो ग्रुप हीली फॉर वर्ल्ड है, उसमें हम हर वीक में तीन वेबिनार्स करते हैं। पहला वेबिनार होता है फ्राइडे को, जो कि सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में होता है। दूसरा होता है सैटरडे को, जिसमें कि हम हीली के बेहतर यूज़ के बारे में बात करते हैं। जितना ज़्यादा आप हीली को अच्छे से इस्तेमाल करना सीखेंगे, उतना आपको इस बहुत अच्छी सी डिवाइस का फ़ायदा भी होगा, और आप दूसरों को भी इसको इन्फॉर्म कर पाएंगे। फिर हमारा तीसरा वेबिनार होता है हर वीक में संडे को, और ये सारे वेबिनार हमारे 8:30 PM पे होते हैं। संडे वाले वेबिनार में हम बात करते हैं अबाउट द टेक्नोलॉजी, द एप्लीकेशंस, और आखिर में हम टेस्टिमोनियल्स भी लेते हैं और आपके क्वेश्चंस के आंसर भी लेते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक के बिना मत जाइएगा, और चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, सो दैट इस अमेजिंग डिवाइस का हर कोई फ़ायदा उठा पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।